नमस्कार किसान भाइयों, कृषि भाई खेती समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कृतिक और चलिए जान लेते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। किसानों के लिए सरकार ने जारी किए 130 करोड़ रुपए। गांव में खुलेंगे कृषि उत्कृष्टता केंद्र, किसानों को होगा लाभ। ई नाम से जुड़े महाराष्ट्र के 12 लाख से अधिक किसान। किसानों को आलू बुखारा के उन्नत पौधे दे रही सरकार। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में भारी बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। अगस्त और सितंबर में लगातार हुई बारिश से करीब 1.5 लाख किसानों की 4.25 लाख हेक्टेयर की फसल प्रभावित हुई है। किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने 130 करोड़ रुपए जारी किए हैं। प्रदेश में पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश पर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने तत्काल रिपोर्ट मांगी है। हरियाणा सरकार गांवों में कृषि उत्कृष्टता केंद्र खोलने जा रही है। इन केंद्रों के जरिए किसानों को बागवानी की आधुनिक तकनीक सिखाई जाएगी। सरकार ने पूरे प्रदेश में 46 कृषि उत्कृष्टता केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद से 11 कृषि उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। ई नाम के सरकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अब तक महाराष्ट्र के 12 लाख से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। ई नाम के जरिए किसान घर बैठे अपनी नजदीकी मंडी में अपने उत्पादों की बिक्री कर सकते हैं। इसमें देश के 1000 से अधिक मंडियां जुड़ चुकी हैं। देश भर के 1,70,00,000 से अधिक किसान इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों को आलू बुखारा के उच्च गुणवत्ता युक्त पौधे उपलब्ध करा रही है। इसके लिए कुरुक्षेत्र स्थित उपोष्ण कटिबंधीय फल केंद्र आलू बुखारा के लगभग 5600 पौधे किसानों को देगा। प्रत्येक पौधे के लिए किसानों को केवल 100 रुपये ही देने होंगे। पौधे लेने के लिए राज्य सरकार की ऑनलाइन बिक्री पोर्टल हॉट सेल नेट पर जाकर आपको बुकिंग करनी होगी। बुकिंग के बाद किसान फल केंद्र से सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच में पौधे ले सकते हैं। आपको बता दें, लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। किसान भाइयों, कृषि भाई खेती समाचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।